नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के सिद्रा इलाके से उस वक्त एक दुखद भरा खबर जो है वो सामने आई, जब ये पता चला कि वहां से 6 लोगों की डेड बॉडी जो है वो 2 मकानों से देखने को मिली, जिसमें 2 मेल्स थे और 4 जो है वो फीमेल्स थी। ऐसे में अब उनका परिवार इस वक्त हमारे साथ है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ जो है वो पूरा मामला था। ये GMC में इस वक्त जो है वो पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा परेशान है। हालांकि ये वक्त नहीं है कि इनसे ज्यादा बात की जाए, लेकिन फिर भी हम इनसे जानकारी लेंगे। चौधरी साहब, आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद शफी जी। शफी साहब, क्या पूरा मामला, कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी 6 डेड बॉडीयां हैं, बाकी कोई जानकारी नहीं है। क्या लगते थे आप? हौसला रखिएगा, आराम से। क्या लगते थे आपके? डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा क्या है। आपके क्या लगते थे? वो मेरी आंटी थी, 2 बहनें थी, एक भाई था, एक भांजा था। कहाँ के रहने वाले थे ये? बेसिकली पीछे डोडा के रहने वाले थे। 20-22 साल से यहाँ सिद्रा में रहते थे। इनका अपना मकान था, सब कुछ अपना था। लेकिन आज सुबह मुझे डोडा से फोन आया कि ऐसे ऐसे मसला है। मैंने कहा मैं तो पास में रहता हूँ। फिर जाके मेरे पुलिस वालों से दरियाफ्त किया, उन्होंने बोला हाँ हमने कल डेड बॉडीयां उठाई है और GMC में। सुबह से मैं यहाँ लाशों के पास बैठा हूँ, देखता हूँ क्या करूँ। इनका और कोई है, बच्चा वगैरह कोई है जो कुछ? एक बेटी है इनकी बची हुई। कितनी उम्र है उसकी? उसी का बेटा था ये, एक जो डेड बॉडी में एक बेटा है 19 साल का ही। उसकी माँ अभी एक जिंदा है, लेकिन सुबह से फोन कर रहे हैं, वो भी लापता है। उसका कोई पता नहीं है, पुलिस कस्टडी में है या क्या बात है, क्या है, फोन भी नहीं उठा रही है। वही एक वारस बची इनकी। ये छह आपस में इनकी रिश्तेदारी को इसके साथ, मतलब ये 6 लोग जिनकी डेड बॉडियां मिली हैं, 5 तो एक घर के है, एक कश्मीरी था श्रीनगर का, उसका इनसे लेना देना है। अब मरे तो कैसे आया घर के अंदर, कुछ पता है? वो काफी अरसे से इनके पास रहता था। हाँ, मतलब ऐसे पहचान वाले हैं। जी। तो आपको कैसे पता चला कि ऐसे हुआ है, इनकी डेड बॉडियां मिली? नहीं, जब पुलिस से कांटेक्ट किया था, उससे पहले तो डोडा से रिलेटिव ने फोन किया कि ऐसे ऐसे हम सुन रहे हैं, हमने सुना, इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। फिर जाके हमने पुलिस से कन्फर्म किया, पुलिस ने कहा कि 6 डेड बॉडियां हैं, आप आके पहचान लो। फिर सुबह आया मैं यहाँ, देखा मैंने डेड बॉडियां पहचानी, मैंने कहा क्लियर है। इसके बाद अब डॉक्टरी जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद पुलिस अपना काम करेगी। ऐसे हम पुलिस से भी क्या पूछ सकते हैं। आपको कोई शक है? क्या कहें, कहते हैं गलत करने वाला एक इंसान है, पर शक जो करता है उसको 100 आदमियों पे शक हो जाता है, तो उसको 100 गुना हो जाती है। एक करने वालों को एक गुना है, शक करने वाले को 100 गुना चढ़ते हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। आपकी कोई आखिरी मुलाकात कब हुई थी? काफी अच्छा पहले। कैसा स्वभाव था उनका, कैसे नेचर के थे? ठीक थे, बहुत। मुझे आंटी और एक बहन आते, मैं सब्जी के लिए आया था, वहाँ मिली, हमने दुआ सलाम की आपस में। मैंने कहा घर नहीं आते, कहते आप भी नहीं आते। मैंने कहा हमें मना आया वहाँ आना, लेकिन आपको तो मना नहीं, कहते टाइम नहीं मिलता है, बस इतनी सी बात हुई। तो उसके बाद आज मुलाकात हुई डेड बॉडी के साथ, ये बस। कितनी उम्र होगी इनमें सभी? कितनी उम्र की? आंटी की उम्र 70 अब, एक बेटी है उनकी उम्र है 50। 2 बेटियां थी उनकी, है ना, एक बेटा, एक उसकी 50 है, दूसरी बेटी की 32 है, बेटे की है 27 और 89 की है 90। चलिए, डोडा की कौन सी जगह से हैं? इलाका मरमत, तहसील मरमत, डिस्ट्रिक्ट डोडा। डोडा के मरमत के रहने वाले थे, इसमें ये 5 लोग और एक जो है वो शेमा जो है वो कश्मीर का रहने वाला था। भाई साहब हैं एक, भाई साहब आपके क्या लगते थे? वो हमारे एक रिलेटिव हैं। रिलेटिव है। तो आपको कैसे पता चला कि सुबह ये मेरे घर से फोन आया तो बोलते वहाँ चले जाओ, वहाँ तो बोलते ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं ऐसे। क्या लगते थे आपके? मेरे ये आंटी रखो। कितना बुरा लगा जब आपको ये खबर सुनने को मिली? देखो आप 6 एकदम ऑन स्पॉट, 6 डेड बॉडीज एकदम मिलना, तो देख लो, सोच लो खुद क्या मांग करते हैं कि मामले की जांच। मामले की जांच जैसे नहीं, पुलिस जैसे देखा, यहाँ अफसर वगैरह देखे तो लग नहीं, काफ़ी जांच अच्छी होगी कार्रवाई, क्योंकि 6 मर्डर हो या चाहे जैसी जो भी रखो, अब खुद ही सोच लो, ये तो एक बहुत बड़ा हादसा है, बेशक, है ना। अगर इस पर कार्रवाई ना हो तो आगे कितना क्या हो सकता फिर।
तो जम्मू की ये पूरा मामला है, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वक्त हम जो हम वो जीएमसी में जो है वो जीएमसी के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पर आज सुबह ही जम्मू के सिद्रा एरिया के तवी बिहार एरिया से जो है वो एक खबर सामने आई। यहाँ पर ये बताया गया कि 6 लोगों की जो है वो डेथ एक पूरे हादसे में जो है वो हुई है, यानी कि उनकी डेड बॉडीज जो है यहाँ से देखने को मिली है। सुबह सुबह की काफ़ी ज़्यादा दुखद भरी खबर ऐसी थी कि जिसने ये खबर सुनी वो कहीं ना कहीं ये खबर सुन के जो है वो हैरान रह गया कि आखिरकार ये सब जो है वो कैसे हुआ। आपको बता दें कि जाफर सलीम सनाफ लेट गुलाम हसन और इसके साथ साथ इनकी सिस्टर रुबीना बानो और नूरल खबीब जो कि सनाफ हबीब उल्ला हैं और सकीना बेगम विडो ऑफ गुलाम हसन, सजाद अहमद सनाफ, फारूक अहमद मागरे और नसीमा अख्तर डॉक्टर ऑफ लेट गुलाम हसन, ये इसमें से 5 लोग जो है वो डोडा के मरम्मत के रहने वाले थे और 1 जो है वो कश्मीर के रहने वाले थे, लेकिन अचानक ना जाने क्या कुछ हुआ कि जिस कारण इनकी जो है वो आज सवेरे जो है वो इनकी डेड बॉडीज देखने को मिली। और बॉडीज की बात करें तो पूरे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी और ऐसा लगता है कि 2-3 दिनों से डेड बॉडीज जो है वो वहाँ पर जो है वो अंदर पड़ी हुई थी, लेकिन आज जैसे ही एक कुछ किसी लोकल को इस हवाले से जानकारी मिली तो उन्होंने फौरी तौर पर SHO नगरोटा व SDPO नगरोटा को इस हवाले से पूछा, यानी कि पुलिस को इस हवाले से जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचा तो अंदर से दरवाजे की कुंडियां लगी हुई थी, दरवाजे पूरे तरीके से बंद थे और जब अंदर से स्मेल आने लगी कहीं ना कहीं तो पुलिस ने जो है वो मजबूरन तौर पर दरवाजे तोड़े और अंदर जब देखा तो 1 घर से पहले जो है वो 2 डेड बॉडीज रिकवर होती हैं, ऐसे में उसके साथ ही लगते मकान से जो है वो 4 डेड बॉडीज जो है वो और रिकवर होती हैं, ऐसे में डेड बॉडीज की तादाद जो है वो 6 तक पहुंच जाती है और जिसमें से 5 डेड बॉडीज जो है वो जो कि डोडा की बताई जा रही है कि उनकी फैमिली वाले फिलहाल यहाँ पर आए हुए हैं और 1 जो है वो कश्मीर की जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल परिवार वालों का बुरा हाल है क्योंकि 1 ही परिवार चला गया है और बाकी जो उनके चाहने वाले थे रिश्तेदार थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आपने सुना है कि उनका किस तरह की हालत उनकी इस वक्त है, हम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी हालत में उनसे बात करना जो है वो ठीक नहीं, और पुलिस की जाँच के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये क्या रीज़न रहा है, क्या ये सुसाइड है या फिर कोई आत्म जाने की कोई हत्या जो है वो की गई है। फिलहाल आप लोग इस पर अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।